हम गांधी की धरती मानते हैं, हम नरेंद्र मोदी मिश्रा की धरती नहीं मानते। अरे यार सब तो मोदी को भगवान मानने के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी नहीं मानते। हमारी तरफ से वो गूं खा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा माहौल है और आपको भरी हुई कुर्सियां, जनता का जनसमूह और भाजपा का सुपड़ा साफ दिख रहा होगा, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ना मोरबी पुल वाला मुद्दा उठाया गया है। मोरबी पुल जब गिरता है तो जनता की गलती हो जाती है, ये जनता की गलती है। क्या वहां पे आदमी नहीं बिठाया गया? गुजरात में ना शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो अस्पताल बनाए जाते हैं। अरे 100 अस्पताल में घूम लो, 100 अस्पताल में घूमो, यशोदा बहन जी से मिल लिए होते, चुनाव लड़ने आए थे। ये गांधी का प्रदेश है, गांधी की धरती है, साबरमती नदी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम मोदी जी रख देते हैं, कौन सम्मान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बड़ा मूर्ति बनाए ना, स्वदेशी अपनाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नारा था स्वदेशी अपनाओ। आज के परिपेक्ष में स्वदेशी चीजें हैं, चाइना की मूर्ति लगाई गई है वहाँ पे, चाइना की मूर्ति। तो क्या हुआ, चाइना की मूर्ति नहीं लगा सकते? देखिए आज के मुद्दे जो है ड्रग्स, जो अडानी अंबानी के यहाँ पे ड्रग्स है, ये मेरे सामने नस्लें देख रहे हैं, इनको नशे का आदि बनाया जा रहा है। बात समझ लीजिए कि 86 लाख सिगरेट, मतलब 17 करोड़ की विदेशी सिगरेट पकड़ी गई चुप्पी, 300 करोड़ कोकीन पकड़ी गई चुप्पी, 14 के पहले यहाँ से शेर रास्ता था, अब वो भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ है। आप इतनी मोदी जी कितनी मुखालिफत क्यों करते हैं सर? आप मीडिया को दलाली क्यों करते हैं? दलाली कहाँ कर रहे हैं, हम तो सवाल आप पूछ रहे सरकार हैं। सवाल पूछिए कि पोर्ट से पुलिस क्यों हटाई गई है, आप सवाल करिए कि बिल्किस बानो बहन को न्याय क्यों नहीं दिया गया है, आप सवाल करिए अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिला है, ना महिला सुरक्षा है, स्वास्थ्य के हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि मरीजों को पीने का पानी नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री जी एक अस्पताल घूमते हैं, रातों रात डेंटिंग पेंटिंग कराई जाती है। आप बताइए 80% हिंदू आबादी है, 80% हिंदू आबादी है, और GST हिंदुओं पर, मर रहा है हिंदू। लोग जो वहाँ मोरी पुल मिले, क्या प्रधानमंत्री जी गए? क्या उनसे मिले? मिलने गए थे ना, मिलने गए हैं, छोड़ मत बोलो, कोई एक भी परिवार, पीड़ित परिवार से प्रधानमंत्री मिले हैं क्या? प्रधानमंत्री जी है, खाली आंसू ऐसे से कर देने से आपको दुख निकल जाएगा? ये आवाम क्या पूछेंगी, इन आवाम के लिए क्या छोड़ के जाओगे आप? क्या छोड़ोगे इन आवाम के लिए? आज ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, इनको हमें अलग करना चाहते हो? ये देश गंगा और जमुना तहजीब से चलेगा, किसी के बाप दादा के खून से नहीं चलेगा। मोदी जी कहाँ अलग कर रहे हैं, जो आप उनको इल्जाम लगाओ तो सबके साथ सबकी विकास कपड़े से पहचाने जाते हैं, स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। तो कपड़े से पहचाने जा रहे हैं, तो कपड़े पहने हुए हैं, टोपी लगाए तो आतंकवादी है, तो आप भी भगवा पहने हैं, ले लीजिए अभी, हम भी आतंकवादी हो जाएंगे। क्या हमें भी आतंकवादी कहोगे? भाई टोपी वाला आतंकवादी, हम लोग हो गए खालिस्तानी, किसान खालिस्तानी, जो इनका विरोध करे वो हिंदू ही नहीं है, सखी फिकट बांटने की राजनीति है। अब की बार भाजपा और एक नमूना और आया है वोट काटने के लिए, चुनाव जिताने के लिए, इसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली से मैं खुद हूँ प्रदेश प्रवक्ता यूथ कांग्रेस, लेकिन आज दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि खाने को रोटी नहीं, विकास के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे चोरियां की गई हैं, मोहल्ला क्लिनिक है नहीं। और हिंदू मुसलमान, चाहे आपका मरकज का मामला रहा हो, चाहे आपका गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने का मामला रहा हो, आप गुजरात की धरती में बोलते हो गणेश लक्ष्मी जी की फोटो नोटों में लगा दो, आदमी मांस खरीदेगा तो फोटो, दारू खरीदने जाए तो फोटो, सोच के लिए जाए तो उनकी। तो स्वच्छ शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षा मॉडल को लेकर गुजरात में आए हुए हैं और कह रहे हैं कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर सिमट जाएगी। सुपड़ा साफ है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली MCD से भी और गुजरात से भी, ये बाल बगोई का चैलेंज है, हम गुजरात सुपड़ा साफ करने आए हैं दोनों पार्टी। गुजरात में 27 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है, क्या कमी रह गई? कमी इस कारण से है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे यहाँ के आवाम को डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस आता उठा ले जाती है, मारती है और बोलने नहीं देती है। मैंने देखा यहाँ पे कि जनता बोलने से डरती है। अरे मोदी जी कहते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो हमें लेटर लिखो, मोदी जी से कहो कि अग्निवीर ने लेटर लिखा था, 112 लोगों ने फांसी
लगाई है। क्या हुआ क्या हुआ आप बताइए। उत्तराखंड में अंकिता दामिनी बिल्किस बानो ये सबका क्या हुआ, क्या न्याय मिला, क्या न्याय मिला? वो संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्होंने छोड़ दिया गया। अरे उन जिस विधायक ने कहा था उनको टिकट मिला गोधरा से सर जी। मैं कह रहा हूँ ऐसे दबंगों को रेपिस्टों को बेशर्मों को ही भाजपा टिकट देती है और हम इस एकता के साथ रहेंगे। ना हिंदू बटेगा ना मुसलमान बटेगा, बटेगी ये सरकार सुपड़ा साहब। अरे मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो मुसलमान है सिर्फ मुसलमान कांग्रेस में है बस, और जितने हैं वो सब हिंदू एक तरफ हो गए। एक चीज मैं बता दूं, 80-20 का खेल योगी जी भी खेल रहे थे, खेल के जीते ना। लेकिन डेंगू से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं और यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं। मौतें हो रही जबरदस्ती, इतना बड़ा बड़ा इल्जाम क्यों लगाते? प्रूफ दीजिए। प्रूफ हमारे पास मोबाइल में है और स्क्रीन शॉट में आपको दिखाता हूँ। डेंगू से इनके कार्यकर्ताओं ने, मैं बहुत बड़ा गुजरात करना चाहता हूँ, गुजरात धरती से बिल्कुल गुजरात, आज इनके कार्यकर्ता हमें मैसेज करते हैं, पंडित जी हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे मैसेज किया कि डेंगू से लल्लू लाल कुशवाहा प्रयागराज डिप्टी मेयर का भतीजा मर गया, कुछ नहीं बोला गया। आपके कोषा अध्यक्ष मुनिरा मंडी के अध्यक्ष व्यापारी संघ के अध्यक्ष का भाई मर गया, चुप्पी है। ये प्रधानमंत्री मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर। आप इतने बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मोदी जी पर, मौत का सौदागर कह रहे हैं। बताइए मोरबी पुल में आपको दो आंसू बहाने के बाद क्या जनता चुप हो जाएगी? क्या ऐसे बताइए, टिकट जिसने लगाया होगा उसको नहीं मालूम था? सर मौत का सौदागर आप कैसे कह सकते हैं किसी एक प्राइम मिनिस्टर को? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मौत का सौदागर नहीं है वो तो आंसू बहाने के लिए उनसे मिलने जाते, उनको मुआवजा देते, उनके साथ समय बिताते, रैली ना करते तो हम मान जाते। सर आप मोदी को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं, हमेशा आपकी आदत रहेगा। मोदी मीडिया कब से मोदी का पक्ष लेने लगी? 2013 के पहले तो ये मामला नहीं था। आपको सरकार से पूछा क्या महंगाई कम हो गई, क्या पेट्रोल के दाम कम हो गए, क्या शिक्षा में रेट कम हो गया? 2040 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बीजेपी वाले भाजपा वाले। 2000 पहले तो 2022 में गुजरात से भागेंगे। गुल खिले गुलशन खिले गुल की बारी है, हर जगह इनका मुंह काला है, अब गुजरात की बारी है। गुजरात में परिवर्तन होगा, परिवर्तन भी होगा, सुपड़ा साफ होगा। अरे अच्छा मुझे बताइए, कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए हैं कि 500 में सिलेंडर दे देंगे जो 1000 में सिलेंडर मोदी जी महंगाई के नाम पे बोल सकते हैं। इसी गुजरात की धरती से किसने चिल्लाया था रुपया ऐसे नहीं गिरता है, दिल्ली में सरकारें क्या करती है? आज यही सवाल आपकी हिम्मत है पूछ पाओगे मोदी जी से? बिल्कुल पूछेंगे। कपड़े उतर जाएंगे आपके मध्य प्रदेश, पूछेंगे आपसे कपड़े उतर जाएंगे आपके मध्य प्रदेश की तरह, कपड़े उतार दिए जाएंगे आपके, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके घरों में बुलडोजर चला दिया जाएगा। हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम लोकतंत्र में कैसे आप लोगों का हाल है वो दिखता है, वो दिख रहा है हमें। अब अगर हिम्मत है तो जाके पूछ के आओ। बिल्कुल पूछे कि अपनी दुनिया की पत्नियों को, दुनिया की बहन बेटियों को 3 तलाक ला के न्याय दिए, यशोदाबेन जी को न्याय कब दे रहे हैं, उनको कब रख रहे हैं? यशोदाबेन भी तो उनकी पत्नी है ना, कि उनको अपने साथ में गुजरा जाते हैं, माँ के पहुँच रहे हैं, देश के लिए सब कुछ त्याग दिए हैं, आप जबरदस्ती इल्जाम लगाते हैं। देश के लिए 8000 करोड़ का प्लेन खरीदे हैं, देश के लिए 8000 करोड़ का प्लेन खरीदे हैं, देश के लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं आज लगातार। जनता के हित होगा तभी तो बढ़ रही है। ये जनता का हित नहीं है, ये भाजपा का हित है। अमित शाह का बेटा जैसा BCI चेयरमैन बनता है, क्या इन बच्चों को नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या इनको पढ़ाई की जरूरत नहीं है? छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तो शिक्षा दो ना। शिक्षा तो मिल तो रही, शिक्षा अच्छी है दोस्त, यहाँ की शिक्षा। ये बताइए हाईएस्ट GST, लार्जेस्ट हाईएस्ट GST पूरे इंडिया में शिक्षा पे लग रही है, क्यों क्यों लग रही है? बोल दे रहो, बताओ क्यों लग रही है? लग रही देश हित में क्यों? अच्छा अब वो महंगा कर दे देश हित में, अब कांग्रेस में अगर ऐसा लगता है आप लोग विश्व गुरु बनने नहीं देना चाहेंगे देश को। कौन सा विश्व गुरु? विश्व गुरु बन रहा है पूरे देश में, आप स्पेस में और परमाणु से हटा लीजिए, 107 नंबर महंगाई आप भुखमरी के नाम पे आ गए हैं आप। अरे यार विदेशी रिपोर्ट है जबरदस्ती, आप लोग विदेशी सरकार को बदनाम करने के लिए यही रिपोर्ट कांग्रेस में आए तो देशी रिपोर्ट हो जाती है। अगर आज भाजपा के कार्यकर्ता और नेता 60 रुपए पेट्रोल में कपड़े उतार के धरना दिए तो आ तो नंगा घूमना चाहिए उन लोगों को। आप लोग कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट करो ना, कौन मना किया? आप लोग कांग्रेस वाले बिल्कुल बड़ा दलाली लिए हो भाई पैसा लेके, आप लोग कांग्रेस वाले। अच्छा ओ आप लोग कांग्रेस वाले, हम इस देश के नहीं है, हम इस देश के नहीं है।
कांग्रेस के नहीं है कांग्रेस, तो फिर कैसे कांग्रेस वाले? आप भाजपा सत्ता में कौन है? भाजपा है, तो भाजपा सवाल क्यों रहिएगा? बिल्कुल तो, लेकिन आप सवाल तो कांग्रेस आनंद से करते हैं। पुल गिरता है तो इनकी गलती, दबाना मिले इनकी गलती। अरे ये तो गोदी मीडिया वाले कहते हैं, हम लोग तो नहीं कहते ना। गोदी मीडिया बिक चुकी है दलाली खा खा के। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज इस दूजा धरती से, इस धरती पे हम गांधी की धरती मानते हैं, हम नरेंद्र मोदी मिश्रा की धरती नहीं मानते। अरे यार सब तो मोदी को भगवान मानने के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी हमारी तरफ से वो गू खा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भाई गोबर खा के दिखा रहे हैं ना, हमारी तरफ से वो गूंख है, हमें एक रुपए की दिक्कत नहीं है। हम अपने भगवान महाकाल को मानते हैं, उन्हीं को मानेंगे, हम किसी इंसान को भगवान मानने वाले नहीं है। मोदी जी तो मान रहे हैं ना। कौन मान रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं भगवान है हमारे लिए। अभी कहा ना आपसे, एक आदिवासी महिला को बंद करके उसे मूत पिलाया, मूत चढ़ाया गया, मलमूत खिलाया गया, उसके बावजूद आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आप लोग हमेशा शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आप लोग भी तो जातिवाद पर रहते हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं। मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं ना। 8 साल की भर्ती बताओ गुजरात में, पूरे इंडिया में कितनी भर्ती निकाली मोदी जी ने? पूछ रहा हूँ, बोलो ना, बोलो बताओ तो प्रूफ। एक भर्ती नहीं निकली। इन बच्चों का भविष्य 75,000 नौकरियां दी ना दिवाली पर। 2 करोड़ का वादा था बेशर्मो, 2 करोड़ का वादा था। 2 करोड़ का, 2 करोड़ क्यों नहीं था? नहीं था, नहीं था। अब जितना हो पाएगा देश में उतना ही देंगे। अंधे थे क्या? कैसे बोल दिए फिर? वो प्रधानमंत्री जी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, झूठ के बोले। 2022 तक, सुनिए 2022 तक पक्का मकान देने के वादा था। कितने को पक्का मकान? 40 में देंगे ना, आप तो कह रहे हैं। कौन 24 में जाने वाले हैं? 24 में जाने वाले मैं क्या कह रहा हूँ, कपड़े से बचोगे मर जाओगे सिलाई से। इंसानियत का कत्ल कर रहा है ये पीएम मोदी जी बड़े ही सफाई से। या खुदा या राम, हमें सच बोलने का सलीका भी ना सका, ये प्रधानमंत्री झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से। प्रधानमंत्री तो आप झूठा बोल रहे हैं, तो बता सच्चा बोलेंगे? बिल्कुल सच्चा बोलते हैं। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार मिल गया। भाइयों बहनों करके बात करते हैं, इतनी अच्छी तकरीर करते हैं। अरे तो भाइयों बहनों कौन उनके? भाजपा के और मित्र अडानी अंबानी। आप बताओ, एक आदमी कर्ज मांगने जाए भाई? सुनिए एक क्वेश्चन, अगर आज एक आदमी आम आदमी कर्ज लेने जाए तो पूरा घर लगा देते हो, और अडानी अंबानी को कर्ज क्यों दे रहे हो उतना? क्या भाई एक देश के व्यापार है? मैं ये बाल योगी हिंदू वोटर के नाते सुपड़ा साफ उनका बताइए, इस मरता हिंदू वोटर आपके हिसाब से, आप गुजरात में आए हैं सर्वे कर रहे हैं, हिंदू वोटर किस तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? भाजपा और आम आदमी पार्टी ने डरा धमका के चुप करा दिया है। वोट के दिन हम चोट करेंगे। 20 लाख ईवीएम गायब है, चुनाव आयोग से पूछो। 20 लाख ईवीएम 20 लाख